गाइज इफ यू आर clips द क्लिप्स दैट वी आर on आउट ऑन दिस चैनल यू कैन कंज्यूम ऑल आर पॉडकास्ट clips स्मॉल right राइट We वी चंक together and एंड रिलीज देम जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस डू नॉट to टू प्रेस subscribe बटन आपके लिए बेस्ट केस आउटकम क्या है ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन What इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर अस as पीपल यार देखो मैं आई एम अ नोटा वोटर और मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है मैं डंके की चोट पे कहता हूं क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा पॉलिटिशियन मिला नहीं जो कि देश हित में अपना हित आ, ना मिलाए ना मिलाए कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे कि नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे ऐसा देयर ऑल इट्स अ डिग्री इट्स अ ग्रेड ऑफ लेयर ऑफ करप्शन पीपल मे नॉट एक्सेप्ट कैश बट इन काइंड दे आर करप्ट पीपल है अच्छा बेटा राहुल को करप्ट कह रहा है मोदी को करप्ट कह मैंने कहा सबसे पहले मैंने राहुल से पहले मैंने कहा था मोदी करप्ट है नो एफ सी आर एक्ट का अमेंडमेंट हुआ ये मोदी को नहीं पता कि हुआ

2011 की बात की बात बच्चे को कंधे पे उठा के वो झंडा वंडा उस चक्कर में ना इमोशनल हो गया था मैं चौदह नहीं 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अच्छा अच्छा जो वो पूरा वो ठीक है ठीक है चौदह में इलेक्शन जीते थे वो चौदह तक मैं समझ गया था केजरीवाल कौन है हाँ, तेरह में नहीं समझा था हाँ, 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 तेरह में तेरा में ये जीता था तेरा में जीते थे बट इसने मेजोरिटी नहीं सरकार की कांग्रेस का सपोर्ट मिला था या बीजेपी हट गई थी फॉर्म अ गवर्नमेंट राइट देन ही रैन अवे टू वाराणसी रिमेंबर टू फाइट मोदी राइट राइटा रिमेबर से भगवड़ा टाइटल आ गया था अब तो बहुत सारे और टाइटल आ गए लेकिन तब पहले भोगड़ा था तो तब 2013 से पहले ना मतलब मैंने दो तीन आर्टिकल्स भी लिखे हैं प्रेजिंग केजरीवाल भाई ये कर रहा है वो टाइप ऐसा टाइम ऐसा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वी थॉट यार दिस गाय इज वन ऑफ अस हैं हमारे उससे निकला और ये कुछ करेगा ये वो दो लेकिन नोटा वोटर मैं था मैंने तब भी इसको वोट नहीं किया मैंने कहा कि यार दिस गाय डिजर्व दिस थिंग मैंने अपनी बीवी से इसको वोट कराया और 10 साल में हर बार मैं ताने देता हूँ बीवी को देखो तुम केजरीवाल <laughs> तो इतने बेलन पड़े हैं मुझे <laughs> इतनी गालियां कहती तुमने वोट कराया मैंने कहा कि अल्टीमेटली क्या हुआ तुमने वोट किया ना हाँ। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केजरीवाल <laughs> देखो अगर हम बाय जाए से ही नहीं अपने इंदौर से भी वोट करा <laughs> लॉर्ड मैंने वोट नहीं किया <laughs> <laughs> तो ये ये सिचुएशन है सो आई एम अ नोटा वोटर आई आई फील आई शुड नॉट कमेंट ऑन इट पीपल आर एवरी पॉलिटिशियन इज करप्टैट इज माई डिक्ट आई हैव एक्सप्लेन टू यूस बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मोदी एंड दिस गवर्मेंट इज डूंग पेस इट इज फ्राइटनिंग मैं तो कल ही मैंने बोला है गडकरी ह्यूमन नहीं है गडकरी right. एलियन है तो लोग देख रहे हैं लोग खुद जानते हैं कि एक तरफ उनकी चॉइस ये है एक तरफ वो है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आई जस्ट कोट द फैक्ट्स नहीं नहीं आई एग्री सर वो तो कोई डाउट में ही नहीं है दैट बीजेपी इज कमिंग एंड कमिंग स्ट्रॉन्ग और वो भी कोई डाउट नहीं है ऐसा नहीं है कि हम सब जैसे द द क्रिटिक क्रिटिसिज्म तुम सब बेवकूफ बने हुए हम बेवकूफ नहीं बने हुए हमें दिख रहा है और हम बड़े खुशी बने गए गो टू समथिंग दैट इज बिहाइंड द सेकंड लेयर राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट लेयर राइट सो द फर्स्ट लेयर इज मोदी गेव

family? That is a very interesting perspective. Huh. When was the last time you heard a, a BJP guy saying this? Nothing, never. Mm. Every new tap water connection made has slashed the diarrhea occurrence. Every new gas connection made has saved a life. Every year, 150,000 lives are being directly saved through Ujwala scheme. When was the last time you saw a BJP guy saying this? तो सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पे जाओ और वो सेकंड लेयर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर ऑपोजिशन को भी दिख रही है बीजेपी को भी दिख रही है वो उसमें लड़ रहे हैं ये दिया वो दिया सेकंड और थर्ड लेयर ना वोटर्स को दिख रही है भाई hmm. जिसके पचास हजार रुपए बचे हैं वो किसको वोट देगा मोदी को वोट देगा बहुत ऑब्वियस बात है बहुत तो, बात है आई डोंट नीड टू से सेनी थिंग एंड आई डोंट एंड ऑनस्टली इंडियन वोटर्स नॉट स्टूपिड जो येक्ल्ट ऑफ माइंडेडनेस है मैं सोचता हूँ आदमी अपने लिए तो सोच ही के, के लिए ना सोचे. ये, है, अभी ये जो नया सिली स्लोगन शुरू अब की बार चार सौ बार क्यों हुँ? कर रहे हो यारूइंग दिस इज गिविंग This is giving the impression that you're overconfident. This brings back that thing of India shining in 2004. Right. You know. Bilkul, bilkul.

राहुल गांधी कीप्स गोइंग डाउन दैट लूप वेर इट इज जस्ट बिकमिंग मोर एंड लाइक द जोक इज जोक एट दिस पॉइंट नो मैं चाहता हूँ सीरियसली लेना यार मैं चाहता हूँ एक सीरियस हो बट यो लाइक मैं क्या तो बोलूँ यार लाइक like, वही एक ब्लैक होल सा बन गया है ऑपोजिशन के नाम पर ये इस देश की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये रियलाइज नहीं करते लोग ये बीजेपी वाले रियलाइज नहीं कर रहे यारी ऑपोजिशन रियलाइज करे ना करें आई डोट गिव अ डैम प्रॉब्लम इस कि जितनी भी प्रो नेशनल डिसीजन बीजेपी ने ली है डेट्स वाई आई से मोदी इज ब्लेस टू हैव द अपोजिशन ही हैजितनी भी फॉर नेशनल इंटरेस्ट डिसीजन लिए ऑपोजिशन इज अगेंस्ट इट ठीक है जितनी भी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट लिए एंटी नेशनल डिसीजन और मोदी मैं कहता हूँ ऑपोजिशन इज फॉर इट अपोजिशन इज़ फॉर नेशनलाइजिंग थिंग नॉट प्राइवेटाइजिंग एनी थिंग ऑपोजिशन वॉज फॉर द रिपील ऑफ फार्म लॉज ये सारी एंटी नेशनल डिसीजन हैं ये तो अपोजिशन सपोर्ट कर रहा है जो डिसीजन नेशन के हक में लेता हक में लेता है मोदी जी उसको ये अपोज करते हैं hmm. तो तो ब्लेसिंग ही हो गई ना the, what is भाई the राहुल गांधी को क्यों कहते हैं बहुत, बहुत बीजेपी वाले जब राहुल गांधी हाँ, कौन प्रसाद करेगा <laughs> ये रियल बात कांग्रेस को इतने करोड़ों रुपए पैसे दिए हुए भाई रैली के लिए अब कल मनी शंकर अयर मिला नहीं तो लालू प्रसाद यादव को बीजेपी ने आगे किया ना ओह माय गॉड